उसका हाँ, क्योंकि जो प्रॉपर्टी पिछले साल 30-35 लाख में उठती थी वो 70-75 लाख में उठी है इस साल। हाँ, और अच्छा हुआ हमने ना इस बार इसमें मतलब रिश्ते वाले बिजनेस से थोड़ा दूर है, करेंगे उसको भी जरूर। तुम्हारा कहने का मतलब ये है ये बंदी सही है, मुझे इससे निकालो, कैद से बाहर निकाल लो भाई। नहीं नहीं, हर टाइम हर सिचुएशन में मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आज दुख लगा ली हमने गाड़ी में। हाँ, तो आज ये ना अपना बड़ा ऑर्डर है 280 होटल। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, एंड होप करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम भी बहुत मजे में हैं, मस्ती कर रहे हैं, फुल गोवा एंजॉय कर रहे हैं हम अपना, और इस बार ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी सामान वान लेके आ गए, अब अपने कामों में लगेंगे। अभी हम चल रहे हैं अपने अगोंडा की तरफ कानकोण से। तो जी अब आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और दिखाते हैं क्या सीन चल रहे हैं, कैसा है अगोंडा में। आज बीच पे तो खैर आज जाना नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि कई दिन हो गए हमें बीच को बहुत मिस कर रहे हैं। बस एक यही कमी हमें खल रही है अभी थोड़ी सी। हाँ, बट निकालेंगे टाइम, किस दिन अक्षु की छुट्टी होगी ना तो सुबह सुबह में हम जाके आएंगे 10-11 बजे के आसपास, करेंगे उसको भी कुछ ना कुछ। फिलहाल ऐसा हो रखा है जी, सुबह का माहौल बिल्कुल शांत, 9:30-10 बजने वाले हैं। हाँ, 10 बजने वाले, 10 बजे तक तो ट्रैफिक चलना शुरू हो जाता है इधर, लोकल ही दिख रहे हैं बस। हाँ। पीछे एक गाड़ी दिखी थी मुझे कर्नाटका की, 2-3 टूरिस्ट दिखे थे, तो मैं सोचा था पकड़ूं उनसे पूछूं कि भाई टूरिस्ट सर, क्या खाओगे। हाँ, इस बार टूरिस्ट को ऐसे पकड़ना पड़ा, अरे टूरिस्ट आ गए चलो पकड़ो जल्दी से पकड़ो, इधर आओ। चलो जी चलते हैं, पहले घर पहुंचते हैं अपने, फिर दिखाते हैं कैसे टूरिस्ट हैं अभी गोवा में। तो जी आज गर्मी लग रही है, आज शाम का टाइम हो गया है और टाइम हो रहा है लगभग 5:30 से ज़्यादा हो गए, 6 बज गए। कैसे 6 बजे, इसे हमेशा पैसे ही चाहिए होते हैं। कितने रुपए चाहिए बोल बोल दे, आज कितना पैसा चाहिए तुझे आज? 30-40 कुछ, बस 30-40 लाख ही। क्यों बेइज्जती कर रहा है मेरी, 30-40 लाख रुपये मांग के दो ना। नहीं, 30-40 लाख नहीं मिलेंगे तुझे, 30-40 लाख नहीं, मैं 1 करोड़ दूंगा पूरे। तो ये 100 के उठ का आया है अभी। चलो इसको पहले पैसे दूं फिर फोन सुन लूं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अगला दिन है और अगली सुबह है, हम चल दिए हैं अपना क्या है सामान लेने, और साथ में आपको अपडेट देते चलेंगे गोवा के। तो कल से अगर बात करें तो टूरिस्ट दिखे हैं काफी। हाँ, मतलब थोड़े ऐसा चहल पहल हुई है। हाँ, बाकी अगर हम बात करें, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कि कह रहे हैं इस बार गोवा खाली रहेगा, और ये है कि गोवा में इस बार टूरिस्ट नहीं आ रहे क्योंकि गोवा महंगा हो गया, तो बहुत सारी फैक्ट्स लोग बता रहे हैं। तो चलो उस पर थोड़ा सा आज बात करते हैं थोड़ी सी, कि भाई क्या क्यों नहीं आ रहे और क्या जो है लोगों को लग रहा है। तो देखो क्या था, जैसे पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें, जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ और उसके बाद से क्या हुआ, एकदम से क्राउड बस्ट हुआ इधर। हाँ। क्योंकि बाहर रेस्ट्रिक्शंस थी इन 2 सालों में बाहर के कंट्रीज में, अगर पिछले साल तक भी अगर आप किसी बाहर के कंट्री में जा रहे थे, मतलब इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे थे, तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, आपको ये दिखाना है, सो दिखाना है, मतलब 1000 डॉक्यूमेंट आपको उधर दिखाने पड़ रहे। तो उस झंझट से में ना पढ़ के लोग क्या, लोगों के लिए ऑप्शन क्या था फिर, गोवा। तो बहुत सारे लोग जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं वो सब गोवा आए पिछले 2 सालों में। हाँ। तो गोवा में क्राउड हद से ज्यादा हुआ। हाँ। और लोगों के दिमाग में वो माइंडसेट हो गया कि भाई बहुत क्राउड आने वाला है न्यू ईयर और इस पे, और पूरा फुल रहने वाला है जैसे पिछले 2 साल रहा। हाँ। तो अभी ये वाला जो साल है ना, रेस्ट्रिक्शंस हट गई ये सो, तो लोग तो बाहर जा रहे हैं, जिनको मतलब जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं वो तो उधर ही जाएंगे। तो ये पहले जैसा हो गया, जैसे लॉकडाउन के पहले का सीन था। बट हुआ क्या है कि लोगों की उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हो गई। हाँ, ज्यादा हो गई, तो इस वजह से लोगों को लग रहा है कि भाई क्राउड नहीं है। हाँ। दूसरा, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि भाई गोवा हद से ज्यादा महंगा हो गया है, इससे बढ़िया तो इंटरनेशनल ट्रैवल कर लिया जाए। ये बात तो फैक्ट है कि गोवा इतना ही महंगा है जितना आप थाईलैंड जाके आ गए। जैसे सपोज कोई दिल्ली से गोवा आ रहा है ना, तो इतने में वो थाईलैंड कर आएगा थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा पैसे डाल के। हाँ। बट ये अभी नहीं है, ये हमेशा से था। मतलब अगर
अगर मैं 2018 की बात करूँ ना, 2018 में पहली बार हम अगुंदा बीच पे रुके थे और यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं 2018 में भी उनके प्राइजेस 10,000 से स्टार्ट होते थे पर नाइट। ये आज बहुत रहेगा। हाँ। लोग भूल जाते हैं रास्ता किधर जाना है। चलो तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से महंगा नहीं था, पहले भी महंगा था, हमेशा से महंगा था, फिर बीच में क्या लॉकडाउन पड़ा तो जो भी प्रॉपर्टीज थी सबने अपने रेट डाउन किए, ये सोच के कि कोई तो आ जाए कोई तो आ जाए, तो पिछले दो सालों में रेट डाउन थे। बट इस साल क्या हुआ है, इस साल सडनली सबने रेट क्यों बढ़ा दिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी ओनर्स है ना उन्होंने लीज ऑलमोस्ट सबने डबल कर दिए। हाँ। मतलब जितने भी हमें पता है ना, कई सारे एग्जांपल तो मतलब हमारे सामने ही है कि सबका लीज डबल हो गया है। अगर हम ही बात करें तो हमने बागाटोर में एक प्रॉपर्टी देखी थी, आपने वीडियो देखा हो शायद और या नहीं देखा हो, 10 रूम के पता है वहाँ पे उन्होंने 3 लाख रुपए मांगे थे, 3 लाख रुपए प्लस GST। हाँ, तो उन्होंने जो है 3 लाख और प्लस GST मांगा था, और आप अंदाजा लगा सकते हो 10 रूम में आप कितना कमा लोगे, ये मंथली है इयरली नहीं। हाँ, और आपका अकेले का एक होटल नहीं है वहाँ पे जो है लाइन लगी हुई है। नहीं, अगर देखो 30,000 रूपए महीना पड़ रहा है, मतलब 30,000 रूपए पर रूम पड़ रहा है, अब वो 30,000 आप कैसे निकालोगे, हर रोज तो रूम भरा नहीं रहता आपका, 1,000 रूपए में तो लगा ही नहीं सकते। हाँ। तो उसको 5-6 हज़ार में ही दोगे आप, तो महंगा ही देना पड़ेगा। तो एक ये बड़ा रीजन है जो थोड़े से रेट इस बार ज्यादा हाई लग रहे हैं लोगों को उसका। हाँ, क्योंकि जो प्रॉपर्टी पिछले साल 30-35 लाख में उठती थी वो 70-75 लाख में उठी है इस साल। हाँ, तो ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं जिससे क्या थोड़ा सा महंगाई इस बार हल्की बढ़ी है, वो तो कह सकते हैं भाई बढ़ी है। और साउथ गोवा हमेशा से मतलब नॉर्थ से कंपेयर करो तो साउथ गोवा ज्यादा कॉस्टली बढ़ता है, कॉस्टली होता है। इवन दो इस बार हॉस्टल वालों ने भी बड़ी मतलब जो 500 रुपए का बेड है उसके सीधे 1,000-1,500 रुपए कर रखे हैं उन्होंने। 800-900 तो नॉर्मल चल रहे हैं। हाँ, नॉर्मल टाइम में मतलब दिवाली के टाइम पर 800-900 रुपए पर बेड लिया है, तो क्या है यार हॉस्टल में रह के फिर उस हमारा रूम का वो दे रहे हैं। हाँ। हमारा कॉटेज था, हम एसी रूम 1200-1500 नॉर्मल सीजन में इतना। हाँ। देते थे, तो फिर बंदा 900 रुपए में हॉस्टल में बेड क्यों लेगा, अपना रूम नहीं लेगा। बिल्कुल, तो ये चीजें तो हुई हैं और अच्छा हुआ हमने ना इस बार इसमें मतलब रिश्ते वाले बिजनेस से थोड़ा दूर है, करेंगे उसको भी जरूर बट इस बार नहीं, अगले साल से करेंगे और रीजनेबल रेट ही रखेंगे जो मतलब एक हाँ जो मतलब लगता है कि भाई इतने में हमारा खर्चा निकलना चाहिए, यहाँ का हमें थोड़ा सा बच जाए। हाँ, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जैसे कई लोग कहते ना कि भाई खाना ही इतना महंगा पड़ रहा है ना, तो देखो अगर आप फैंसी फूड खाओगे। हाँ। तो वो तो महंगा ही होता है इधर, वरना दाल रोटी खाओ सस्ता पड़ जाएगा। नहीं, दाल रोटी भी नहीं, आप फिश थाली भी खाओ, लेकिन जैसे जो लोकल्स के बाहर होते हैं ना पीछे पीछे आपको जरा सा ढूंढना पड़ेगा। हाँ। उनमें आराम से 150 रुपए तक, 150 से कम कम में आपको फिश थाली मिल जाएगी जिसमें एक टाइम का मील आपका अच्छे से होगा। बिल्कुल, तो ये थोड़ी चीज है ना, आपको सिर्फ ढूंढनी पड़ती है। अगर आप चाहो कि भाई बीच ट्रैक पे बैठ के फैंसी फूड खाएंगे, इटालियन ये सो तो कॉन्टिनेंटल खाएंगे, तो फिर तो महंगा ही पड़ेगा, वो तो किसी भी डेस्टिनेशन पे महंगा ही पड़ेगा। और वो तो कितना भी आप फूड ऐसी चीज है, कितना ही खर्च कर लो आप, कितना ही कम में खा लो कितनी ज्यादा में खा लो। हाँ। इट्स टोटली डिपेंड अप टू यू। तो अब देखो ये फॉरनर जा रही है, उसने हीरो पुक ले रखी है बिक्की। अब ये अपनी तरफ का कोई इंडियन बंदा होगा वो कहेगा अरे मैं क्यों बिक्की चलाऊंगा, मैं तो थार लूंगा, मैं तो गाड़ी लूंगा, बड़ी बुलेट लूंगा, तो फिर ऑब्वियसली फिर तो वो महंगी पड़ेगी, वरना काम तो इससे भी चल रहा है। देखो काम तो साइकिल से भी चलाते हैं यहाँ। एक यूके का एक बंदा ऑलमोस्ट हर रोज वो खाना खाने आता है, वो साइकिल से पूरा गोवा साइकिल से घूमता है। हाँ, तो महंगाई बढ़ने का एक थोड़ा सा रीजन ये भी है दिखावा। हाँ, सोफ जो कि हमें नहीं थार में ही घूमना है, तो ऑब्वियसली थार वाले अपने रेट बढ़ाएंगे, उनके भाव बढ़ गए फिर तो, या फिर हमें बुलेट ही लेनी है, बुलेट ही चाहिए तो बुलेट वालों के भाव बढ़ जाते हैं। डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। हाँ, वही दिक्कत होती है थोड़ी सी, वरना काम तो आपका कैसे भी चल सकता है। मैं गाने एंजॉय कर रहा हूँ, मोनिका वो भी नहीं सुनने देती, देखो बहुत गंदी बात है। देखो बंद करा दिया जबरदस्ती, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मतलब मैं कुछ अपनी पसंद का एंजॉय करना चाहता हूँ कर ही नहीं सकता,
सारा कुछ मोनिका के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा, बहुत ही मजबूरी है ये सच में। मतलब शादी के बाद मेरी लाइफ में मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब ये है ये बंदिश है, मुझे इससे निकालो, कैद से बाहर निकाल लो भाई। जाओ, मैंने तो फ्री छोड़ा। फ्री छोड़ दो, मैं फिर बीच पे घूमूंगा रोज, लेके रोज नई गर्लफ्रेंड साथ। हाँ तो घर में बताना। हाँ अभी दाढ़ी वाड़ी काली करनी पड़ेगी फिर से मुझे। है नहीं, वो जो भी मर्जी करो, that's not my concern। दाढ़ी भी तो तुम ही काली करके दोगी। मैं नहीं दे रही, मैं तो बस घर से निकाल सकती हूँ, इतना मैं कर सकती हूँ, तो फिर आपका जो मन करे वो करना। अच्छा, मैं और अक्षु कैफे चला देंगे, वो हमें इतना भरोसा है। सेल कौन करेगा? मैं करूंगी। सर्व कौन करेगा? वो अक्षु और मैं कर लेंगे मिलके। हाँ तो जी सोचना पड़ेगा मुझे कुछ। है बताना आप कमेंट करके क्या करना चाहिए, इलाज क्या होना चाहिए। भाई अपनी सारी ख्वाहिशें मर जाती हैं, वो नहीं मरनी चाहिए ना, उनको भी जिंदा रखना है। कौन सी ख्वाहिशें? जो मैं चाहता हूँ करना। क्या करना? कई बार मस्ती, कई बार ऐसे मतलब डांस वांस ये सब, गाने वाले। हाँ चलो जी, हम मजाक करते करते पहुंच गए अभी कानकोड़। पता लगा सीरियस झगड़ा ही होता है। हाँ तो अभी इसलिए छोड़ देता हूँ मैं टॉपिक। तो जी आज ये पूरी गाड़ी भर ली है पीछे सामान से, आज दुकान लगा ली हमने गाड़ी में ही। हाँ तो आज ये ना अपना बड़ा ऑर्डर है, 280 हॉट डॉग देने हैं हमें स्कूल में, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में दे रहे हैं हम, उसमें कुछ ये नहीं है कि बचाना है, और हमें लगा कि चलो ठीक है दे देते हैं, ये क्रिसमस की पार्टी के लिए है, बच्चों की क्रिसमस की पार्टी के लिए। हाँ तो सोचा कि चलो कोई नहीं, ये दे देते हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी बस, बाकी हो जाएगा आराम से। फिलहाल चलते हैं, सारा सामान अपना फिट हो गया, चल के फिर अपना बाकी के अपने कैफे के भी सामान है फिर इसमें साथ के साथ। लेकिन अभी वो 280 बनाने हैं, सबसे बड़ी वो मेरे को ना भी डर लग रहा है। चलो कोई नहीं, बन जाएंगे, टेंशन मत लो, मैं भी हेल्प करूंगा ना साथ में, मिलजुल के बना लेंगे। देखो जी ट्रैफिक अपने कानकोण का ज्यादा नहीं है। मिलजुल के बनाने का मतलब हरविंदर का होता है कि मैं खड़ा रहूंगा बस गप्पे मारने के लिए तुम्हारे पीछे, और वही तो होना चाहिए, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होना चाहिए कैसी भी करोगे, हर मुसीबत में, हर जो भी कर दूंगा तुम झेलते रहना। नहीं नहीं, हर टाइम हर सिचुएशन में मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तो वही तो होना चाहिए, और क्या चाहिए। ये जो कहावत होती है ना कि पीछे खड़े होना, उसको सच्ची करके दिखाते हैं हरविंदर की, खड़ा ही रहूंगा, काम कुछ नहीं करूंगा। नहीं नहीं, खड़ा तो होना फिर भी, कैसी सिचुएशन हो, चाहे तुम डांटती हो, कुछ भी बोलती हो, गुस्सा कर लेती हो, मैं फिर भी खड़ा ही रहता हूँ, मैं फिर भी नहीं हटता। काम तो करता हूँ, पर मैं ये नहीं कि नाराज होके भाग गया, मैं कहा चल यार कोई नहीं, ये तो आदत है। रुको रुको रुको, बता देती हूँ। सुबह बोला मैंने हरविंदर टमाटर बॉईल करने रख दो, कहाँ रखूँ, मतलब बॉईल करने कहाँ रखोगे, कॉमन सेंस है यार। अरे तो गैस पे ही तो रखने थे, मैं ढूंढ रहा था है कहाँ टमाटर, मुझे लगा मैं ढूंढ रहा था है कहाँ गैस। चलो जी तो चलते हैं अभी, एंड होप करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। थोड़ा क्राउड अब आने लगा है गोवा में, और आप भी अपना प्लान कर रहे हो तो कर सकते हो इधर घूमने आने का। देखो इसकी जॉन की बात कर रहे थे हम, यहाँ भी वो अगुंदा से कानपुर साइकिल से। हाँ साइकिल से घूमता है बंदा, ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, इंग्लैंड से है, अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया। तो चलो जी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।